वेलकम टू neimagination.com, कैसे आप सब? सो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ब्रा साइज या फिर कप साइज भी आपको मेजर करना चाहिए। ये वीडियो आ रही है स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे, क्योंकि कुछ टीनेजर्स हैं जो कि जिनको पता नहीं है कि करेक्ट साइज किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए। तो जितनी ज़्यादा गर्ल्स तक ये बात पहुंच सकती है तो डेफिनेटली आपको ये पहुंचानी चाहिए, बिकॉज रियल में ये सारी इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल नहीं होती है और हमें प्रॉब्लम होती है किस तरीके से हम क्या साइज को चूज़ करें। सो इसलिए आज मैं आपके सामने लाइव आई हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको मेजरमेंट कैसे लेना चाहिए, पहले तो साइज़ कैसे पता हो, और साइज़ अगर पता चल भी गया है तो उसके बाद कप साइज़ कैसे पता हो, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी। हाँ जी, हेलो। तो सबसे पहले अपने आप को आपने मेज़र करना है, ठीक है? तो नॉर्मल बहुत ही हैवी कपड़े मत पहनेगा, नॉर्मल से कपड़े पहन के आप इसको मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रा साइज़ के लिए मेज़र करना है बैंड एरिया। हाँ जी, तो ये आपका कवर के बाद का बैंड एरिया होता है, ठीक है? अगर आप वैसे समझना चाहते हैं तो बैंड एरिया आपका, आई होप आप समझ गए होंगे, ये है अपर बस्ट और ये है लोअर बस्ट। सो जो आपका कमर होती है ना, बहुत ही पतला वाला हिस्सा, सबसे पतला वाला हिस्सा जो आपका होता है मेनली, सो ये आपका बैंड एरिया होता है, जहाँ पे आपका जो ब्रा है उसका स्ट्रैप यानी कि बैंड आएगा, ठीक है? तो उसको बिल्कुल टाइटली अच्छे से फिटिंग का मेज़र कीजिएगा। इंच में मेज़र करना है। इंच में मेज़र करने के बाद कई बार होता है कि हमारा जो बैंड एरिया है वो आ रहा है ऑड नंबर में, लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर ये आ रहा है 29 में तो आप इसको 30 कर लीजिए, ठीक है? अब कहीं क्योंकि ये ऑड नंबर में आ रहा है ना, तो इसको 30 कर लीजिए। किसी का 33 आ रहा है तो इसको 34 कर लीजिए। अगर किसी का आ रहा है पॉइंट्स में तो क्या करें, मान लीजिए आपका 29 नहीं 28.5 आ रहा है तो आप 28.5 को 28 कर लीजिए, मतलब 0.5 को थोड़ा सा पहले कर लीजिए। और अगर वैसे आ रहा है 29 तो 29 की जगह 30 ले लीजिए और 28.5 की जगह 28 ले लीजिए। तो ये आपका ब्रा साइज है, ठीक है? सो नॉर्मली मैं बता देती हूँ, ज़्यादातर अगर हम देखें तो 32 ब्रा साइज होता है, तो उस हिसाब से देख लेते हैं। तो किसी का अगर 31 आ रहा है तो वो 32 पे जा सकता है, और अगर उसका 32 ही आ रहा है तो वो 32 ही ले, ठीक है? तो आपको आई होप यहाँ से क्लैरिटी हो गई होगी। अब ये तो हो गया साइज़। साइज़ के साथ आपने देखा होगा कि ABCD कप्स भी अवेलेबल होते हैं, तो उनको कैसे पहचाने? तो उनके लिए आपको इस हिस्से को मेज़र करना है जो आपका बाहर को उठा हुआ है। सो इस हिस्से को जब आप मेज़र करेंगे तो ये आपका बताएगा कि कितना कप साइज़ है। ये तो आपका बैंड साइज़ और यही ब्रा साइज़ होता है, ये आज आपको पहली बार ही पता चला होगा। सो इस एरिया को जब हम मेज़र कर रहे हैं तो मान लीजिए मैंने यहाँ से ब्रा साइज़ चूज़ कर लिया कि 32 ही चाहिए। अब उसके साथ उसका कप क्या है, ABCD कैसे पता लगाएं? तो उसके लिए अगर ये हिस्सा 34 आ रहा है, ये 34 आ रहा है और ये 32 आ रहा है, तो ये जो कप साइज़ है वो कितना होगा, कैसे पता चलेगा? आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, अपर बस्ट एंड लोअर बस्ट के हिस्से को माइनस कर लीजिए। तो 34 माइनस 32 कितना हुआ, बी साइज़, ठीक है? तो इनका जो कप साइज़ होगा वो कितना हो जाएगा, 32 बी, मतलब जितना इन दोनों में अंतर है तो वो वाला साइज है। कितना अंतर है, दो का अंतर है तो बी साइज हो गया। कई बार आपने देखा होगा कमर बहुत पतली होती है लेकिन बस हैवी होती है, तो उस केस में आपको यहाँ से ब्रा साइजेस मिलेंगे, ठीक है? तो अगर ये बहुत रेयर केस है, इतना ज्यादा वाला बहुत रेयर केस है, बस इतना वाला देखा जाता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है और प्रेगनेंसी के बाद फीड वगैरह करते हैं तो हो सकता है कि आप इन नंबर तक पहुँचे, बट ये बहुत रेयर है, ऐसा ज़्यादातर देखा नहीं जाता है ये वाले नंबर्स। सो आई होप दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए दिखाई दे रहे हैं ना नंबर्स। मान लीजिए अगर इस पर्सन का हमने ब्रा साइज़ देखा था 32 ही है लेकिन उसका बस साइज़ यहाँ से आपका 33 है, तो कप कौन सा आएगा, ए कप आएगा, ठीक है? और मान लीजिए यहाँ पर 35 आ रहा है तो 35 माइनस 32 कितना हुआ, 3 इंच, तो 3 इंच के हिसाब से सी कप। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। सो कौन सी एज के बाद ये वियर करनी चाहिए और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं बता दूँ, 12 साल के बाद आपको स्पोर्ट्स ब्रा की तरफ जाना चाहिए, नॉर्मल, ये वाली ब्राज नहीं जो हम बड़े लोग पहनते, स्पोर्ट्स ब्रा के लिए जाना चाहिए। एंड देन अगर आपको लगता है कि ग्रोथ ज़्यादा हो रही है एंड 15 साल के आसपास या 15-16 साल के आसपास आप नॉर्मल ब्रा के पास जा सकते हैं, ठीक है? सो फिर उसमें जो साइजेस हैं इनको देखने का मतलब बन जाता है। अब एक और चीज़ है फ्रेंड्स, इन साइजेस को तो आपने देख लिया,
लेकिन हम लोग जो मार्केट से कंपनी वाली ब्रा लेते हैं तो उसमें प्रॉपर साइजेस आपको अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सस्ती वाली या नॉर्मल ब्रा लेते हैं, जो जैसे कि हम नॉर्मल ब्रा लेडी जो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं होती या फिर बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, तो उनमें तो ये वाले सारे कप्स मिलेंगे नहीं, तो फिर क्या करें? आपको पता है जो नॉर्मल शॉप्स पर मिलती हैं तो उनका जो कप साइज़ होता है वो बी नॉर्मली मिलता है, ठीक है, और सी डी ई नहीं मिलता। सो वो क्या करें, तो वो थोड़ा सा फिर वो एक नंबर ज़्यादा ले सकते हैं, बट वो परफेक्ट फिटिंग नहीं आती। परफेक्ट फिटिंग मैंने आज आपको समझाई है कि परफेक्ट फिटिंग अगर चाहिए तो वो ए बी सी डी की तरह आप ले सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी रही होगी और समझ में आएगा कि किस तरीके से मेज़र करते हैं। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए, अपने घर में जितनी भी गर्ल्स हैं, ताकि उनको ये क्लियरली समझ में आए कि सही साइज़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी जो बॉडी की शेप है वो बिगड़ने लग जाती है और हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, और इसलिए हमें हेल्थ इश्यूज़ नहीं चाहिए। डेली वेयर में ज़्यादातर कॉटन की पहननी चाहिए, होजरी या ये वाली अवॉइड करनी चाहिए, और अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो आप दूसरी वेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। इसी तरीके वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स का वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक कीजिए वीडियो को, लाइक बहुत कम है। थैंक यू।